कब से फुटबॉल खेलती हूँ? मैं छोटे से खेलती हूँ फुटबॉल। किस क्लास में? अभी 12 का एग्जाम दूंगी। तो अभी आपके गांव के बॉयज की टीम ज्यादा स्ट्रांग है ना गर्ल्स की टीम ज्यादा? गर्ल्स की स्ट्रांग। आज कितने गोल किए? आज पता नहीं, मैं तो बाद में आई, ये लोग आगे खेल रहे थे। चार गोल किए बोल रहे। लड़कियों ने चार गोल किए? हाँ। लड़कों ने दो। बस इस बात के लिए अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे जो एरिया है लड़कियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि तुम जो करना चाहती हो, तुम फुटबॉल खेलो या फिर आगे बढ़ना चाहती हो स्पोर्ट्स लाइन में, जाओ बिंदास। ये अच्छा लगता है, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं सभी लोग, प्रधान हो, पंचायत हो, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। गाँव के भैया जितने बड़े बड़े हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। जैसे वनडे मैच होता है, खुद से भैया सब अपना पैसा मिला के यहाँ पे होता है, टूर्नामेंट होता है, फिर बाद में बहुत दूर दूर से आती है लड़कियाँ खेलने के लिए। कितनी लड़कियों की टीम है गाँव में? कितनी लड़कियाँ? ऐसे 15 लड़की। 15 लड़की, मतलब पूरी टीम बन सकती है ना? हाँ जी। क्या नाम है? रवीना खातून। सलीना टुप्पो। मेरा नाम पुष्पा खलखो। प्रियंका मिंज। मेरा नाम निशा। पूजा वाल्मीकि। कब से फुटबॉल खेलती हूँ? मैं छोटे से खेलती हूँ फुटबॉल। किस क्लास में? अभी 12 का एग्जाम दूंगी। घर वाले नहीं बोलते हैं कि एग्जाम का तैयारी करो? बोलते हैं। तो तुम खेले में ठीक लगता है, पढ़ाई में भी कुछ चाहिए ना। तो डेली खेलती हो? हाँ जी। फुटबॉल के अलावा कोई और गेम भी खेलती? हाँ, रनिंग सब करते हैं। तो आपके घर से कोई फुटबॉल खेल के आगे तक गया है, मतलब आगे? नहीं। आपको है इरादा जाने का आगे? हम, मैं भी कोलकाता सेलेक्ट हुई थी, लेकिन घर से जाने नहीं दिया, एग्जाम टाइम था इसलिए। अच्छा, किस टीम में सेलेक्ट हुई थी? मैं जो हमने का उधर का क्या बोलता है, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का, उधर से हुआ था, सब मिला के टीम हुआ था। अच्छा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जी। तो नहीं गई उसमें? नहीं गई, घर से एग्जाम था मेरा 10 का। 10th के टाइम जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 में। अभी 10th में? नहीं, अभी MP दूंगी। MP मतलब बोर्ड एग्जाम। अच्छा, 10th का बोर्ड एग्जाम। हाँ। अच्छा, कब से फुटबॉल खेलती हो? पता नहीं। बचपन से? हाँ। हमेशा से, मतलब जब से होश आया फुटबॉल खेलती। तो अभी 10th बोर्ड है, पढ़ाई के साथ फुटबॉल मैनेज हो जाता है दोनों? पढ़ाई तो हाँ। पढ़ाई घर वाले मना नहीं करते? एक बोर्ड एग्जाम आने वाला है। नहीं, मना नहीं करते हैं। कितने घंटे खेलती है लगभग डेली? 1-2 घंटे। तो अभी आपके गांव के बॉयज की टीम ज्यादा स्ट्रांग है ना गर्ल्स की टीम ज्यादा? गर्ल्स की स्ट्रांग। आज कितने गोल किए? आज पता नहीं, मैं तो बाद में आई, ये लोग आगे खेल रहे थे। चार गोल किए बोल रहे। लड़कियों ने चार गोल किए? हाँ। लड़कों ने दो। तो लड़कियों की टीम और बाहर खेलने जाती है आपकी लड़कियों की टीम कहीं यहाँ से गांव से? एक बार गए थे। हाँ। जीत के नहीं आए थे, वो चीटिंग से जीत गए वो लोग। कौन सा गांव था? हाँ, देवमुनी में जीत के आए थे हम लोग, ऐसे ही मतलब गांव गांव के जी। हम लोग का क्या, यही बचपन। बचपन से ही? हाँ। अच्छा, किस क्लास में हो? 10th क्लास में। इस बार कैसा खेलती हो फुटबॉल, क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो मैं ठीक ही पासिंग करती हूँ। ठीक पासिंग जी। कब से खेलती हो फुटबॉल? 2008। कहाँ तक आप खेल चुकी हैं, मतलब कहीं आगे तक गई? नहीं, आगे तक नहीं गई हूँ, सिर्फ ऐसे वो होता था टूर्नामेंट, ये सब में खेली हूँ। गांव का टीम जी? आपका गांव का टीम जीता है 2008 से? हाँ, जीता है बहुत बार। बहुत जीता है? जी। अच्छा। ये बच्चे अभी हमसे सीनियर जूनियर है, ये अभी तैयार हो रहे हैं। अच्छा। उसके बाद में टीम तो वैसे है ही। आप लोगों की फुटबॉल की टीम थी? जी हाँ, अभी भी है, हम लोग मिल के करते हैं कहीं कहने से। कहाँ तक खेला हुआ आपने फुटबॉल? डिस्ट्रिक्ट मैच। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले हुए हैं जी। कितनी बच्चियाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलेंगी इस गांव की? कितनी लड़कियाँ इस गांव से? तो अभी फिलहाल रिसेंटली ये लोग निकल रहे हैं, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बस मैंने खेला है। अच्छा। जी, मैंने ही खेला है। इसके बाद आपसे पहले किसी ने? सीनियर दी सब, तो उन लोगों ने नहीं खेला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और ब्लॉक लेवल पे खेलने पे भी, जैसे आप बता रही थी बहुत लोगों को खेल के आधार पे यहाँ पे नौकरियाँ मिल गई हैं। हाँ जी, तो ऐसा ब्लॉक लेवल पे खेलने भी मिल जाती है नौकरी? ब्लॉक लेवल खेलने पर तो नहीं बता सकती, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट मैच होता है एक निकलता है, और दिसंबर या नवंबर के आसपास होता है पुलिस मैच होता है, तो वहाँ पे अगर विनर होने से सभी को मतलब जॉब दिया जाता है, 2 साल या 3 साल बाद वैकेंसी आती है, तो उसमें नाम लिस्ट आता है, तो अगर आपका नाम है तो कन्फर्म है आपका जॉब।
घर वाले क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा पेंडल का काम, दुकान भी करते हैं, भैया दुकान, मम्मी और मैं। और घर में है कोई जो फुटबॉल खेलता है? नहीं, भैया खेलती है और दीदी है, दीदी खेलती है। दीदी खेलती है जी। घर वाले कभी कुछ बोलते हैं कि कब कितना खेलोगी और कब तक खेलोगी? नहीं, ऐसे मुझे कभी मना नहीं किया। करते क्या हैं आपके पापा? क्या करते हैं? राजमिस्त्री। और घर में और कोई खेलता है आपके? नहीं, घर में कोई नहीं खेलता, तो मैं ही अकेले जी। कितनी लड़कियों की टीम है गांव में? कितनी लड़कियां हैं? ऐसे 15 लड़की। 15 लड़कियां, मतलब पूरी टीम बन सकती है ना? हाँ जी। बस इस बात के लिए अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे जो एरिया है, लड़कियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि तुम जो करना चाहती हो, तुम फुटबॉल खेलो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो स्पोर्ट्स लाइन में, जाओ बिंदास। ये अच्छा लगता है, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं सभी लोग, प्रधान हो, पंचायत हो, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, गाँव के भैया जितने बड़े बड़े हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। जैसे वनडे मैच होता है, खुद से भैया सब अपना पैसा मिला के यहाँ पे होता है, टूर्नामेंट होता है, फिर बाद में बहुत दूर दूर से आती है लड़कियाँ खेलने के लिए, यहीं से जीत कर जाती है, फिर हार भी जाती है। ये सब इस मैदान में टूर्नामेंट होता है? होता है जी, हर साल तो नहीं होता है, कभी कभी होता था, लेकिन 2 साल से अभी वही आप लोगों को पता है जी, हाँ कोरोना के वजह से बंद है फिलहाल। गेम में क्या डिफेंडर हो, गोल? मिड में खेलती हूँ, आगे स्ट्राइकर खेलती थी, अभी मिड में, दोनों खेलती हूँ, मिड में भी स्ट्राइकर भी खेलती हूँ। आगे क्या बनना चाहती हूँ? बड़े होके फुटबॉलर? आगे फुटबॉल खेलना इंडियन टीम के लिए? कुछ और करना चाहते हैं पर पता नहीं है जो होगा। आप फुटबॉल मतलब ऐसे शौक से खेलती हो, ऐसे कोई फुटबॉलर बनना नहीं है? पता नहीं। तो फुटबॉल में क्या डिफेंड पे रहती हो, मिड पे रहती क्या? स्ट्राइकर खेलती हूं। स्ट्राइकर जी। पढ़ाई उड़ाई? क्लास 10 तक पढ़ी। 10 तक पढ़ी जी। कितनी फुटबॉल मैच देखती हो जी? सबसे अच्छा कौन लगता है? लगता है भैया से रोनाल्डो में ठीक लगता है। अच्छा, लड़कियों में से किसी का नाम पता है? नहीं पता। किसी का नाम? वो लोग नहीं, कहीं मीडिया में नहीं रहते ना? नहीं पता। इंडिया का कोई फुटबॉलर? नहीं पता है मुझे, मैं तो फिलहाल। अच्छा, फेवरेट फुटबॉलर मैच देखती हो जो? मैच नहीं देखती हूँ मैं। अच्छा, क्लब का जो मैच आता है बाहर के? नहीं देखती हूँ। रोनाल्डो किसी नहीं, किसी फुटबॉलर का नाम जानते? अरे बाबा नहीं, इंडिया का फुटबॉलर जैसे भाईचुंग भूटिया है, ये लोग नहीं जानती हूँ ना।